तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में बहुत ही नई वाली रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं रचना और मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की मूंग की दाल है और ये बिना छिलके वाली दाल है। तो हमने यहाँ पर एक कप मूंग की दाल ली है और इसे हमने पानी में 5-6 घंटे भिगोया है और ये भिगोने के बाद में इस तरीके की दाल फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मिक्सर का जार लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो हम पीसेंगे तो हमें इसे बिल्कुल बिना पानी के पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखिए ये दाल को पीस लिया है, तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सफेद वाला तिल, जो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। चाट मसाला, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंफ, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच तेल इसके अंदर, तो ये हमने डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैं डालूंगी, ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, तो हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ 1/2 कप, हमने जो रोटी बनाने वाला आटा रहता है वही वाला आटा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब हम इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें यहाँ पर पानी नहीं लेना है, हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है और आप देख ही सकते हैं, ना तो ज्यादा हार्ड है और ना ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम मीडियम वाला है। और मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि हमारी दाल में पानी था ही सही, क्योंकि दाल फूली हुई थी, दाल के अंदर जो पानी था उसी के उससे हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। और अगर आपको पानी लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से आटे को तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है, तो चलिए हम देख लेते हैं आटे को। तो हम आटे को यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ कर लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से और मसल लेती हूँ ताकि हमारा आटा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक लोई बना ली है, हमारी रोटी की लोई के बराबर मैंने बनाई है। तो हम इसी तरीके से सारी लोइयां बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है, तो अब हम इनकी रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है प्लेटफॉर्म पर और हमने एक लोई रख ली है। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी एक रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से रोटी बना ली है और हमने रोटी को बहुत ही अच्छा बनाया है, न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा, इस तरीके से हमने बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक फोक ली है और इससे मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें छेद कर दूंगी। तो हमने यहाँ पर छेद कर दिए है और हमने छेद इसलिए करे है ताकि हमारी रोटी तेल में जाके फूले ना। तो अब हम यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इससे इसके इस तरीके से पीस काट लेंगे। अगर आपके पास में कटर है तो आप कटर से भी काट सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पीस काट लेंगे और ये देखिए हमारे पीस कट गए हैं। तो हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए और हमारा तेल गर्म हो चुका है। और ध्यान रखिए कि हमें बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं लेना है, जैसे कि मैं इसमें डालूंगी और एकदम फूल के ऊपर नहीं आना चाहिए, हमें तेल को थोड़ा सा ठंडा ही रखना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसमें सारे डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने सारी को तेल में डाल दिया है और ये देखिए अच्छे से यहाँ पर ये पक रही है और हमारा तेल एकदम मीडियम गर्म है, तो ये ऊपर भी नहीं आई हमने जैसे ही इनको तेल में डाला है। तो इनको हम कलर होने देते हैं थोड़ा इनका ब्राउन कलर। तो ये देखिए हमारी चिप्स पकने लगी है और उनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर इनको पलट देंगे, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इनका कलर बहुत ही अच्छा हुआ है।
तो हम सभी को इस तरीके से पलट देते हैं और इन्हें इधर भी गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चिप्स फ्राई करके तैयार कर ली है और आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चिप्स बनकर तैयार है खाने के लिए, जिसे आप किसी के भी साथ खा सकते हो, जैसे अचार के साथ या टमाटो के चिप के साथ आप इसे खा सकते हो। और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आ रही है ना आपको भी आवाज। तो फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ खा सकते हो या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत ही नई वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।